Dear student, in this lecture I will discuss on defamation. Defamation has been defined in section 499 of IPC. मानहानि को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में परिभाषित किया गया है. In simple word, defamation means causing harm to the reputation of any person. किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना ये मानहानि कहलाता है. Reputation is a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution and Section 499 of IPC protect this right. Now, look at the definition provided in Section 499. According to Section 499, whoever by words, either is spoken or intended to be read, or by signs, or by visual representation, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said to defame that person. जो कोई भी बोले गए या पढ़े जाने के लिए ऐसे शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है इस आशय के साथ इससे उसकी ख्याति की अपहानि होगी या ये ज्ञान रखते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि इससे इसकी ख्याति की अपहानि हो सकती है वो मानहानि का अपराध करता है. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीन एसेंशियल एलिमेंट हैं डिफेमेशन के. पहला एसेंशियल एलिमेंट है मेकिंग और पब्लिशिंग एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाना या प्रकाशित करना. सेकेंड है imputation must be made by word, signs or visual representation. जो imputation लगाया जाता है वो शब्दों से हो सकता है, संकेतों से हो सकता है या दृश्य रूपण से हो सकता है. और तीसरी condition बताई गई है कि ये जो imputation लगाया जाता है ये इस intention या knowledge के साथ लगाया गया हो या विश्वास करने की वजह उसके पास कि ऐसे imputation से व्यक्ति की जो रेपुटेशन है वो नुकसान उसको पहुंचेगा, उसको हार्म पहुंचेगा, तो कहा जाएगा वो मानहानि. तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, मेकिंग और पब्लिशिंग एनी इम्पुटेशन, मेकिंग और पब्लिशिंग एनी इम्पुटेशन concerning any person, concerning any person. जो पहली रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है 499 का, मेकिंग और पब्लिशिंग एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाना या प्रकाशित करना. मेकिंग लांछन लगाना या पब्लिशिंग प्रकाशित करना इम्पुटेशन को किसी भी व्यक्ति के बारे में. तो पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है, एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाया गया हो या पब्लिश किया गया. लांछन लगाना मतलब बाय वर्ड्स हम कहते हैं तो लगाया जाता बोला जाता है. पब्लिशिंग मीन्स रिटर्न में हो सकता है या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन, मतलब किसी के बारे में कुछ कहा गया हो वो दूसरों को पता चला हो. ठीक है, इम्पुटेशन लगाया जाता है. इम्पुटेशन क्या होता है, लांछन किसको कहते हैं. इम्पुटेशन मीन्स ब्लेमिंग ए पर्सन और अक्यूजिंग ए पर्सन, किसी व्यक्ति पे दोषारोपण करना, उस पर आरोप लगाना, ये इम्पुटेशन कहलाता है, ये लांछन कहलाता है. ठीक, ये जो लांछन लगाया जाता है किसके बारे में हो सकता है, कंसर्निंग एनी पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में लांछन लगाया जा सकता है. अब किसी भी व्यक्ति में कौन कौन आ सकता है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इवन ए डेड पर्सन में भी डिफेम्ड, एक मृत व्यक्ति की भी मानहानि की जा सकती है. तो यहाँ पे एनी पर्सन में डेड पर्सन भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है स्पष्टीकरण फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि कब हम डेड पर्सन की मानहानि कर सकते हैं. पहली कंडीशन है कि जो इम्पुटेशन लगाया गया हो दैट इम्पुटेशन मस्ट बी सच एट इट वुड हार्म द रिपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ लिविंग, ये जो लांछन लगाया गया हो ऐसा हो कि अगर व्यक्ति जीवित होता तो उसकी ख्याति को अपहानि करता. और दूसरी कंडीशन क्या है, इट इज इंटेंडेड टू हर्टफुल
टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और रिलेटिव्स। ये जो लांछन लगाया गया हो या इस आशय से लगाया गया हो कि ये उसके परिवार या उसके रिलेटिव की भावनाओं को आहत करे, ठीक है। तो मरे हुए व्यक्ति के बारे में भी मानहानि हो सकती है, लेकिन दो कंडीशन उसकी होती है। पहली कंडीशन ये कि वो लांछन ऐसा लगाया जाना चाहिए कि अगर व्यक्ति जीवित होता तो उसकी मानहानि होती है, उसकी रिपोर्टेशन डाउन होती। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके परिवार या उसके रिश्तेदारों की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से लगाया गया हो, ठीक है। तो एनी पर्सन में डेड पर्सन भी आ गया। इसी तरीके से सेकेंड स्पष्टीकरण कहता है कि यहाँ जो एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया है इसमें कंपनी भी आती है, एसोसिएशन भी आता है और कलेक्शन ऑफ पर्सन भी आता है, ठीक। तो स्पष्टीकरण सेकेंड के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है, व्यक्ति में कंपनी भी आती है, मतलब कंपनी की भी मानहानि हो सकती है। एसोसिएशन संघ होता है, कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, बिजनेसमैनों का एसोसिएशन हो सकता है, एडवोकेट्स का हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है, किसी भी टाइप का एसोसिएशन हो सकता है, उसकी भी मानहानि की जा सकती है। इसी तरीके से तीसरी बात कही गई है कलेक्शन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का एक समूह है उसकी भी मानहानि की जा सकती है। जैसे किसी क्लास का एक वर्ग होता है, वो एक समूह होता है, कोई जाति है, तो इस एक समूह होते क्लास होता है, तो कोई भी व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है, उसकी भी मानहानि की जा सकती है। तो सेकेंड स्पष्टीकरण के अकॉर्डिंग कंपनी, एसोसिएशन या कलेक्शन ऑफ पर्सन व्यक्तियों के समूह की भी मानहानि की जा सकती है, ठीक। डिफेमेशन के अफेंस के लिए जरूरी होता है कि जो बातें आपने कही हैं उसका पब्लिकेशन हो, कम्युनिकेशन हो, मतलब अगर ए ने बी के बारे में कोई बात कही है तो ये बात किसी थर्ड पर्सन को पता होना चाहिए। अगर ए बी दोनों एक जगह इकट्ठा है, ए ने बी के बारे में ऐसी बातें कही जिससे कि वो उसकी ख्याति की नुकसान वाली बात कर रहा है, वो इंजरी वाली बात कर रहा है, लेकिन अगर वहाँ थर्ड पर्सन कोई नहीं है तो ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जरूरी होता है पब्लिशिंग हो कि आपने जो भी लांछन लगाया है बोला है किसी के बारे में, तो थर्ड पर्सन सुना हो कि आपने कुछ बोला है। आपने लिखा है कोई चीज़ किसी के बारे में तो वो भी किसी थर्ड पर्सन ने सुना हो कि देखा हो कि हाँ आपने ऐसा लिखा है। तो पब्लिकेशन नेसेसरी होता है, दो लोगों के बीच में आपस में क्या बातचीत हुई है, किसने किसको क्या कहा है, इससे डिफेमेशन नहीं होता। थर्ड पर्सन को जानकारी होनी चाहिए, संसूचना होनी जरूरी होती है डिफेमेशन के अफेंस के लिए, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन बताई गई है इम्प्यूटेशन मेड बाई, इस पे तीन कैटेगरी है जो लांछन लगाया गया है, तीन तरीके से हो सकता है। पहला है वर्ड्स स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड, सेकंड साइंस संकेतों से, और तीसरा है विजिबल रिप्रेजेंटेशन दृश्य रूपण, ठीक है। तो तीन तरीके से लांछन लगाया जा सकता है। पहला तरीका बताएगा बाई वर्ड, शब्दों से हो सकता है, ये शब्द स्पोकन भी हो सकते हैं या इंटेंडेड टू बी रेड, मतलब बोल करके भी आप लांछन लगा सकते हैं किसी के बारे में, या लिखा हुआ है और इसलिए लिखा हुआ है कि वो कोई पढ़े, ठीक। जैसे कोई खड़ा है किसी के सामने, आपने उसको बोल दिया कि हाँ तुम नशेड़ी हो, तुम करप्ट आदमी हो, तुम बेईमान हो, ये सारे लांछन बोल के लगाए, कोई तीसरे लोग सुन रहे हैं, तो ये हो गया पहला तरीका। इसी तरीके से इंटेंडेड टू बी रेड, आपने कहीं कोई चीज़ लिखी हुई है और लिखा इसलिए है कि इसको कोई पढ़े, ठीक। तो सिर्फ लिख करके अपने पास रखे हुए हो इससे नहीं होता डिफेमेशन। आपने अगर लिखा है तो लिखा इसलिए है कि इसको कोई पढ़े, ठीक। तो ये न्यूज़पेपर में हो सकता है, किसी बुक में हो सकता है, किसी पोस्टर में हो सकता है, मतलब कहीं भी कोई चीज़ लिखी हुई हो सकती है और इस इंटेंशन से वो लिखा गया है कि इसको लोग पढ़ें, ठीक। दूसरी बात है साइंस, संकेतों से भी किसी की मानहानि की जा सकती है। जैसे कुछ लोग बैठे हैं, वहाँ क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इसमें कौन चोर है, किसने इशारा कर दिया किसी की साइड में कि हाँ ये चोर है, तो अगर इशारे से आपने बोल दिया किसी को कि ये चोर है तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि आपने उसकी मानहानि की है। तो संकेतों से भी मानहानि हो सकती है। इसी तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दृश्य रूपेण से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे फोटो, आपने एक फोटोग्राफ बना दिया, कार्टून बना दिया, वीडियो फिल्म चला दी, इन तरीके से भी किसी की मानहानि हो सकती है। जैसे सपोज करो एक पोस्टर किसी ने लगाया, उसमें दिख रहा है
कि ए भाग रहा है और उसको पीछे से पुलिस दौड़ा रही है। अब ये जो पोस्टर लगा होगा, ये इस टाइप का कार्टून बना है, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि आप ए की मानहानि कर रहे हो, ए को दिखा रहे हो कि ये पुलिस से भाग रहा है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा विजिबल रिप्रेजेंटेशन। तो तीन तरीके से मानहानि हो सकती है। और जो तीसरी बात कही गई है, इम्प्यूटेशन मेड विद इंटेंशन नॉलेज और रीजन टू बिलीव दैट इट विल हार्म रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। तीसरी जो बात कही गई है, मेंटेलिटी की बात की गई है कि आपने अगर लांछन लगाया गया है किसी के बारे में तो क्यों लगाए। तो इसमें तीन बातें गई हैं, जो लांछन लगाया गया है वो इस आशय के साथ लगाया गया हो, या ये नॉलेज ज्ञान के साथ लगाया गया हो, या रीजन टू बिलीव विश्वास करने की वजह हो कि इससे किसी व्यक्ति की ख्याति अपहानि होगी, ख्याति को नुकसान पहुंचेगा। तो इसके पीछे जो लांछन लगाया गया है उसके पीछे या तो इंटेंशन हो कि जिस व्यक्ति ने लांछन लगाया किसी के बारे में उसका आशय होना चाहिए, वो चाह रहा है कि इस व्यक्ति की ख्याति की नुकसान हो, इसकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो, ठीक। या नॉलेज उसको ये ज्ञान हो कि हम जो कुछ कह रहे हैं इससे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म पहुंचेगा, या रीजन टू बिलीव उसके पास ही विश्वास करने की वजह है कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं इससे किसी व्यक्ति की ख्याति की पानी होगी। तो तीन बातें कही गई इसमें, इंटेंशन नॉलेज या रीजन टू बिलीव, तीनों में से कोई ना कोई एक रीजन होना चाहिए कि या तो इंटेंशन या तो नॉलेज या तो रीजन टू बिलीव। किस बात का बिलीव होना चाहिए, किस बात का ना इंटेंशन नॉलेज होना चाहिए कि व्यक्ति की जो रेपुटेशन है उसका हार्म पहुंचेगा। अभी रेपुटेशन क्या होती है, किसी व्यक्ति की रेपुटेशन क्या होती है, किसी व्यक्ति की ख्याति क्या होती है? तो रेपुटेशन जो ख्याति होती है वो ये होती है कि दूसरे समाज के दूसरे लोग किसी के बारे में क्या समझते हैं। अदर पर्संस जो समाज के सोसाइटी के होते हैं वो किसी के बारे में क्या विश्वास करते हैं वो उसकी रेपुटेशन होती है, उसकी ख्याति होती है। कोई व्यक्ति अपने बारे में क्या विश्वास करता है ये उसकी ख्याति नहीं होती है, ठीक है। सो द बिलीव ऑफ अदर पर्सन अबाउट एनी पर्सन इज हिज रेपुटेशन, ठीक। किसी व्यक्ति के बारे में दूसरों का जो विश्वास होता है वो उसकी रेपुटेशन होती है। ए पर्सन्स ओन एस्टिमेशन अबाउट हिमसेल्फ इज नॉट हिज रेपुटेशन, आपके बारे में समाज के दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या विश्वास करते हैं आपके बारे में, वही आपकी रेपुटेशन होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट पर्सन, बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, लेकिन समाज वाले सोसाइटी के लोग उसको ईमानदार नहीं समझते हैं, तो माना जाएगा कि आपकी रेपुटेशन ईमानदार व्यक्ति की नहीं है। ये भी हो सकता है कोई व्यक्ति वास्तव में ईमानदार ना हो, ऑनेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी अगर सोसाइटी के बाकी लोग उसके बारे में विश्वास करते हैं कि ऑनेस्ट पर्सन है, तो इसका मतलब उसकी रेपुटेशन क्या है कि वो ईमानदार व्यक्ति है, ठीक। कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत विद्वान समझता है, ये उसकी रेपुटेशन नहीं है। अदर्स व्हाट बिलीव, दूसरे लोग क्या विश्वास करते हैं वो उसकी रेपुटेशन होती है। अगर दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि ये बहुत विद्वान है तो उसकी रेपुटेशन वही होगी। दूसरे लोग विश्वास करते हैं ये बुद्धिहीन है, इसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तो वही उसकी रेपुटेशन हो जाती है, ठीक। तो रेपुटेशन यही होती है कि दूसरे लोग किसी के बारे में क्या विश्वास करते हैं वही उसकी रेपुटेशन है, वही उसकी ख्याति हो सकती है। रेपुटेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन 4 जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि कब कहा जाएगा किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा है। तो चौथा स्पष्ट कहता है कि कोई भी इंपोर्टेशन तब तक नहीं माना जाएगा कि किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया है अनलेस दैट इंपोर्टेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स लोवर्स द मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति के बौद्धिक या नैतिक चरित्र को नुकसान न पहुंचाए, या लोवर्स द करेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट टू हिज कास्ट और कॉलिंग, आर लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन आर काजेज टू बिलीव दैट बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज इन लोथसम
और डिसग्रेसफुल स्टेट। तो चार बातें यहाँ बताई गई हैं कि इम्पुटेशन इम्पुटेशन मस्ट लोअर, पहला है मोरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर ऑफ दैट पर्सन, पहली बात। फर्स्ट बात क्या कहा, इम्पुटेशन मस्ट बी मस्ट लोअर मोरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, दूसरों की नजर में वो जो इम्पुटेशन है वो उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को हेज करने वाला, मतलब इन दोनों में से या तो उसका नैतिक चरित्र वो गिराने वाला हो या उसका जो बौद्धिक चरित्र हो ये गिरा। नैतिकता क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है उसके बारे में कहा जाए कि ये बेईमान है, ठीक है, किसी का ये नशेड़ी है ये इसका नैतिक चरित्र होगा, किसी महिला है महिला के बारे में कहा जाए कि ये लूज करेक्टर की है, चरित्रहीन महिला है, तो ये मॉरल की बात की गई तो ये मॉरल करेक्टर को गिराने वाला। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल करेक्टर, व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल करेक्टर होता है बौद्धिक क्षमता उसकी जो होती है, अब किसी के बारे में कह देना कि नहीं ये मूर्ख है, ही इज फुलिश पर्सन, ये मूर्ख है, ये बेवकूफ आदमी है, तो ये इसके इंटेलेक्चुअल करेक्टर को गिराने वाला, ठीक है। तो पहली बात कही गई है कि वो जो लांछन लगाया गया इम्पोर्टेशन लगाया गया है वो व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को गिराने वाला होना चाहिए दूसरों की नज़र में, ठीक है। दूसरी बात बताई गई है कास्ट और कॉलिंग ऑफ दैट पर्सन, दूसरी बात कही गई है इट मस्ट लोअर्स द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन कास्ट और कॉलिंग, ठीक, या तो जाति के बारे में या तो कॉलिंग, जो लांछन लगाया गया वो ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति की जाति या उसके आजीविका के बारे में उसका जो चरित्र है जो उसका करेक्टर है उसको लोअर करने वाला होना चाहिए, उसको गिराने वाला होना चाहिए। जैसे कास्ट है, किसी की कास्ट के बारे में बोलना कि नहीं तुम्हारी कास्ट ऐसी है, तुम्हारी कास्ट ऐसी है, मतलब उसकी कास्ट को बदनाम करना, उसकी कास्ट के बारे में गलत बात बोलना, ये हो सकता है, या उसकी कॉलिंग, उसकी जो आजीविका होती है, कोई डॉक्टर होता है उसके बारे में बात फैलाना कि नहीं डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं, बिना डिग्री के इलाज कर रहा है या वो ठीक से इलाज नहीं करता है, या कोई एडवोकेट है उसके बारे में बातें फैलाना कि नहीं एडवोकेट अपने क्लाइंट को ठगता है, दूसरी पार्टी से मिल जाता है, या किसी बिजनेसमैन है बिजनेसमैन के बारे में ऐसी बातें फैलाना, तो ये सब चीज़ें इस कैटेगरी में आ जाएंगी, मतलब किसी की जात के बारे में लांछन लगाना या किसी की आजीविका कालिंग के बारे में अगर लांछन लगाया जाता है वो लांछन ऐसा हो कि उसका करेक्टर जो कास्ट कालिंग का हो तो वो नीचे गिरता दूसरे की नज़र में, तब भी डिफेमेशन हो जाएगा। तीसरा है क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन, तीसरी बात बताई गई है क्रेडिट, किसी व्यक्ति का जो क्रेडिट होता है जो उसकी साख होती है जो उसकी विश्वसनीयता होती है, ये भी एक करेक्टर होता है व्यक्ति की विश्वसनीयता, व्यक्ति का क्रेडिट, तो अगर ये इम्पोर्टेशन वो ऐसा हो कि किसी व्यक्ति का जो क्रेडिट है उसको दूसरों की नज़र में गिरा है, जैसे किसी के बारे में बोल देना किसी कोई बिजनेसमैन है दुकानदार है उसके बारे में बात फैलाना कि दिवालिया हो गया है इसके बाद पैसा नहीं, या ये पैसा दूसरों को ले लेता है या देता नहीं वापस नहीं करता, तो इस तरीके से अविश्वास पैदा करना, ठीक, तो किसी के क्रेडिट को गिराना किसी की विश्वसनीयता को दूसरों की नज़र में गिराना अगर ये वाले लांछन लगाया गया है तब भी वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। और चौथी बात कही गई है कॉजेज इट टू बिलीव दैट बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज इन स्टेट ऑफ लोथसम और डिसग्रेसफुल। चौथी बात कही गई है इम्प्यूटेशन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की नजर में causes it to be believed that body of that person is in state of loathsome or disgraceful, दूसरों की नज़र में ये विश्वास कराया जाए कि उसका उस व्यक्ति का शरीर जो है वो घृणा पात्र दशा में है, मतलब उसकी शरीर के बारे में ऐसी बात फैलाई जाए कि लोग उससे घृणा करें, या डिसरिस्पेक्टफुल जिसकी शरीर को निकृष्ट समझा जाए, ठीक। तो दो चीज़ें हैं
कि आपने किसी के शरीर के बारे में ऐसी बात फैलाई जिससे लोग उसके शरीर से घृणा करें या उसके शरीर को निकृष्ट समझें, डिसरिस्पेक्ट दें उसके शरीर को। इसमें क्या आता है? बीमारियाँ आता है। किसी के बारे में कोई ऐसी बीमारी के बारे में बता देना कि वो लोग उससे नफरत करें उसके शरीर से, जैसे एड्स फैल गया, कोई ऐसी बीमारी जिससे कि लोग दूर रहना चाहते हैं, तो ये बीमारी की कैटेगरी में आ जाता है। कोई भी व्यक्ति के बारे में बीमारी के बारे में गलत बात फैला देना कि उसको ऐसी बीमारी ऐसा है, तो ये भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये चार कैटेगरी बताई गई है एक्सप्लेनेशन 4 में कि आप कब माना जाएगा कि आपने किसी के रिपोर्टेशन को हार्म पहुँचाया। ठीक, इसी तरीके से थर्ड स्पष्टीकरण भी कहा गया है कि ये जो आप इम्पोर्टेशन लगाते हो ये अल्टरनेटिव भी हो सकता है या आयरानिकल हो सकता है। अल्टरनेटिव मीन्स आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हो जिस जो दो लोगों पे अप्लाई हो सकता है। तो अगर ये साबित कर दिया जाता है कि आपने जो कहा था वो किसको अप्लाई होने वाला था, किसको अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे भी डिफेमेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई ऐसी शब्द बोले, कोई ऐसे वर्ड बोले जिसकी डबल मीनिंग होती है, तो वहाँ भी दो मीनिंग अगर होती है तो वहाँ भी अगर दिखा दिया जाता है कि इसकी मीनिंग यही थी, मतलब इसने जो बोला था वो इस मीनिंग के लिए बोला था, तो वहाँ भी वो मानहानि की कैटेगरी में। जैसे एक वर्ड होता है गुरु वर्ड, लोग कहते हैं तुम तो गुरु हो, तो गुरु टीचर्स को भी बोलते हैं, गुरु बोलते हैं जो गैंगस्टर होते हैं, उनका जो मुखिया होता है, जो लुटेरे होते हैं उनका सरदार होता है उसको भी बोलते हैं। तो इसकी डबल मीनिंग होती है, गुरु का दो सेंस हो सकता है। ठीक, किसी का तो मास्टर है ये, तो मास्टर के भी दो सेंस हो सकते हैं कि वो क्रिमिनल मास्टर हो सकता है या वो टीचर हो सकता है। तो इस तरीके से डबल मीनिंग वाले भी अगर दिखाया जा सकता है कि ये कौन सी मीनिंग चाह रहा था, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरीके से व्यंग, आयरानिकल बोले जाते हैं, जो व्यंग बोले जाते हैं व्यंग से भी हो सकता है। जैसे किसी के बारे में किसी ने कहा कि ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, जबकि वास्तव में ये दिखाना चाहता था कि ये तो बहुत बेईमान आदमी है। तो ये व्यंग जो बोले जाते हैं, व्यंगात्मक लहजे में बात की जाती है, व्यंग से भी आप किसी के बारे में मानहानि कर सकते हैं। ठीक, तो तीन बातें कुल मिला के इसमें हो गई। किसी के बारे में लांछन लगाया जाता है, उसको पब्लिश किया जाता है, कैसे किया जाता है, तीन तरीके दिए गए हैं, बाय वर्ड हो सकता है, संकेतों से या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हो सकता है। और तीसरी बात क्या कही गई है कि जो इम्पोर्टेशन लगाया गया है वो इस इंटेंशन के साथ हो या नॉलेज के साथ हो या रीजन टू बिलीव के साथ हो कि इससे उस व्यक्ति की रिपोर्टेशन को हार्म पहुँचेगा, तभी कहा जाएगा कि उसने मानहानि की। ठीक, इस पर कुछ केस ला देख लेते हैं। पहला केस देख लेते हैं तकी हुसैन। तकी हुसैन 1884 इलाहाबाद। तकी हुसैन का केस है 1884 इलाहाबाद का केस है। इस केस में एक व्यक्ति था, उसने एक पब्लिक सर्वेंट को लिफाफे में बंद करके लेटर भेजता है और लेटर में उसके चरित्र के बारे में लांछन लगाया गया था। उस पब्लिक सर्वेंट ने उसको खोला और पढ़ा। यहाँ पे माना गया कि क्योंकि जो लिफाफे में चीज़ें अंदर थी, जो लेटर अंदर पड़ा हुआ था, वो किसी तीसरे को उसकी जानकारी नहीं थी, तीसरे की नज़र में नहीं आया, तीसरा उसके बारे में नहीं जान पाया था, केवल पब्लिक सर्वेंट ही जाना था, इसलिए यहाँ पे क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुआ, पब्लिकेशन नहीं हुआ उस लेटर का, इसलिए डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं माना गया। ठीक, तो इस केस में क्लियर कर दिया गया कि डिफेमेशन के लिए जरूरी होता है कि जो इम्पोर्टेशन होता है दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू थर्ड पर्सन, जिसके बारे में आपने लांछन लगाया है, उसके अलावा तीसरे व्यक्ति तक वो बात पहुंचनी चाहिए। ठीक, इसी केस में कोर्ट ने कहा कि एनीथिंग व्हिच लोअर्स ए पर्सन इन हिज ओन एस्टिमेशन इज नॉट डिफेमेशन, ऐसी कोई बात जो किसी व्यक्ति को स्वयं की नज़रों में गिरा दे वो मानहानि नहीं होता। तो यहाँ हो सकता है पब्लिक सर्वेंट अपनी आपकी नज़र में गिर गया हो कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, लेकिन ये मानहानि नहीं होगा। आपके बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो मानहानि की कैटेगरी में। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि एनीथिंग व्हिच लोअर्स ए पर्सन इन हिज ओन एस्टिमेशन इज नॉट डिफेमेशन, कोई भी चीज़ जो किसी के बारे में खुद उसकी नज़रों में गिरा दे ये मानहानि में नहीं होता। ठीक, दूसरा केस आशा पारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977। सेकंड केस है आशा पारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में एक मूवी आई थी, उस मूवी में एडवोकेट्स के बारे में कुछ मानहानिकारक बातें बताई गई थी। ठीक, यहाँ पे कंप्लेंट की गई प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में, जो एक्टर थे उनके अगेंस्ट में, कि इन्होंने एडवोकेटों की मानहानि की। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि देर मे नॉट बी डिफेमेशन ऑफ द होल क्लास ऑफ एडवोकेट,
पूरे अधिवक्ताओं के समूह की मानहानि नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि ए ग्रुप ए क्लास मे बी डिफेम्ड बट दैट क्लास मे बी मस्ट बी सो स्मॉल दैट इट मे बी आइडेंटिफाइड। एक समूह की मानहानि हो सकती है लेकिन वो समूह इतना छोटा होना चाहिए कि उसकी पहचान की जा सके। तो एक जो अधिवक्ता का समूह पूरे इंडिया में है, अगर कह दिया गया अधिवक्ता ऐसे हैं तो नहीं कह सकते कि हर एक अधिवक्ता के बारे में वो बात पहुंचती है कि हाँ ये अधिवक्ता ऐसा है। तो जब भी किसी क्लास कभी किसी ग्रुप के बारे में मानहानि की बात कही जाएगी तो ग्रुप इतना छोटा होना चाहिए कि उसको पहचाना जा सके, छोटा सा ग्रुप होना चाहिए कि उसकी पहचान की जा सके। तो आप मान लीजिए पूरे अधिवक्ता समूह की मानहानि नहीं हो सकती है। और तीसरा एक केस है, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात कर रहा है, इस पर सुब्रमणियन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में, सुब्रमणियन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेक्शन 499 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, इसकी संवैधानिकता को चैलेंज किया गया था। किस आधार पर? कि ये आर्टिकल 19(1)(a) इस आधार पर चैलेंज किया गया था कि ये जो डिफेमेशन का अपराध 499 है ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। बट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 499 डज नॉट वायलेट आर्टिकल 19(1)(a). सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) जो कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है ये उसके कंट्राडिक्शन में नहीं, सेक्शन 499 के कंट्राडिक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 19(2) में ही डिफेमेशन को एक ग्राउंड माना गया है रिस्ट्रिक्शन के लिए, कि डिफेमेशन अगर आपकी बातों से आपको अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन 19(2) में ही मानहानि को एक आधार बनाया गया है कि अगर आपकी बातों से किसी की मानहानि हो रही है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। तो इसी को ध्यान में रख के कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन सेक्शन 499 इज नॉट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिफेमेशन के 10 एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, लेकिन अभी क्योंकि आज पॉसिबल नहीं उस पर बात करना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफेमेशन के 10 एक्सेप्शन पर बात करूंगा और कुछ और भी जो पॉइंट छोटे हैं उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।